Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एग्रीकल्चर लैंड पर या सरकारी जमीन पर जो मकान बने हुए हैं, जैसे एमसीडी पूरी दिल्ली में आज सीलिंग कर रही है, वैसे ही कल को लोगों के मकान सील कर दिए जाएंगे, लोगों को मकान तोड़ दिए जाएंगे और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो इसका चाहिए था लोगों को, ये फर्जी कागज नहीं चाहिए लोगों को, ये करिए उसके बाद मकानों की रजिस्ट्री होगी, वो रजिस्ट्री असली होगी। इसके किए बिना जो भी आप कागज देंगे लोगों को वो फर्जी दस्तावेज है। तो ये सारे सवाल मैंने पूछे, मैं जानता हूं हरदीप सिंह पुरी जी इसका जवाब नहीं देंगे, वो लंबे लंबे ट्वीट करेंगे, इधर की बात करेंगे, एक लाइन को 10 पैरा में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। मैं इसका जवाब देता हूं, और जो मैंने शुरू में दावा किया कि बीजेपी के फर्जीवाड़े की पोल बीजेपी के दिए हुए कागज खोल रहे हैं, ये उन्होंने सो कॉल रजिस्ट्री दी है, ये मैंने अभी सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, इन सवालों के जवाब इस तथाकथित फर्जी रजिस्ट्री के कागज में लिखे हुए हैं, मैं भी आपके सामने पढ़ता हूं, ये सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, पत्रकारों के बीच में भी हैं। क्लॉज 2 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट की जो सो कॉल्ड, जिसको मैंने कहा है कि ये फर्जी रजिस्ट्री है, फर्जी रजिस्ट्री के कागज हैं, इसकी क्लॉज 2 पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जिन सवाल जो मैंने सवाल पूछे, ये सवाल 40 लाख लोगों के सवाल हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले। हरदीप सिंह पुरी जी इनका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी ट्वीट पे या उस पे सच नहीं बोल सकते, बीजेपी के दिए हुए कागज बीजेपी के फर्जीवाड़े के बारे में सच बोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। ये कागज कहता है दैट नॉट विदस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डीड, इन कागजों की जो डीड है, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मास्टर प्लान, जोलन डेवलपमेंट प्लान, लेआउट प्लान, शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कंडोन्ड इन एनी मैनर, मैं फिर से पढ़ता हूं, नॉट विदस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डीड, यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मास्टर प्लान ऑब्लिक जोनल प्लान लेआउट प्लान शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कंडोन्ड इन एनी मैनर, कंडोन नहीं किया जाएगा, एंड अथॉरिटी यानी कि बीजेपी एमसीडी एंड द अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ डीडीए एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। यानी कि इस कागज का कोई मतलब नहीं है, इस कागज के होने के बावजूद जिस गली के लोगों, जिन 20 लोगों के पास में भी ये कागज है, उनके लिए और इन कॉलोनियों में रहने वाले और तमाम लोगों के लिए जो 5 सवाल थे कि क्या लैंड यूज चेंज किया, नहीं किया, क्या एमसीडी का बीजेपी एमसीडी का जेई आके किसी मकान बनाने वाले से या अपना कमरा बनाने वाले से, किसी थोड़ा बहुत डेंट पेंट करने वाले से रिश्वत नहीं मांगेगा, उसके घर बुलडोजर लेके नहीं आएगा, वो कह रहा है जी एनफोर्स करेगा, वो तो ये कागज कह रहा है जी वो तो एनफोर्स होगा, क्या इलाके का एसएचओ आके ये नहीं कहेगा कि आप अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रेजिडेंशियल, ये कागज कह रहा जी वो तो कहेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के कहने पर कल को वो कंसीडर कर ले इसको कि एग्रीकल्चर लैंड पर और सरकारी जमीनों पर घर बना रखे हैं, एमसीडी को कहे जैसा उसने आज की तारीख में दिल्ली के हजारों मार्केट्स को कह रखा है, एमसीडी सीलिंग ड्राइव नहीं चलाएगी, चलाएगी, क्योंकि इस कानून में लिखा हुआ है, क्योंकि इन कागजों में भी लिखा हुआ है, जिनको आज कागज देके कहा गया है उस कागज में भी लिखा हुआ है। तो ये कागज अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये कागज ही बीजेपी के दावों की पोल खोल दे रहा है, बीजेपी के दिए हुए कागज ही बीजेपी के दावों की पोल खोल रहे हैं, जैसे डीडीए की वेबसाइट पर उनकी पोल खोल दी गई थी। मैं आपको अंत में ये कहना चाहता हूं कि रेजिडेंशियल अनऑथराइज रेजिडेंशियल कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, पिछले 5 साल में बहुत मेहनत करके वहां पे पानी पहुंचाया है, सीवर लाइनें डलवाई हैं, उनके उनको टैंकर माफिया से मुक्त कराया है, उनको 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे सड़कें बनवाई गई हैं, नालियां बनवाई गई हैं, कई हजार किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं,
मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, स्कूल शानदार बनाए वहां के लोगों के लिए, राशन शॉप से लेकर तमाम फैसिलिटीज दी गई हैं। ये चुनाव से एक दिन पहले फर्जी कागज देने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी, लोगों की जिंदगी ईमानदारी से काम करने से बदलती है, उन लोगों से प्यार करने से बदलती है, उनके प्रति सहानुभूति रखने से बदलती है। चुनावी जुमले के रूप में चार कागज पकड़ा के आप कह रहे हो लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पांच सवालों के जवाब आपके पास नहीं हो सकते हैं, आप उनके जवाब दें, क्योंकि आपके पास आपने इनके जवाब सच, इनका सच तो इन कागजों में खोल दिया है।